मैं केएन मौर्या और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा नर्सरी डालने की उपयुक्त विधि। हमारे पास हमारे साथ एक किसान है जो पिछले 20 सालों से नर्सरी का काम कर रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि नर्सरी डालते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें और किस तरह खेत की तैयारी करें ताकि आपकी नर्सरी बेहतर हो सके। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? संतराम जी। संतराम जी, गांव? मड़ैया। जिला आपका? लखीमपुर। संतराम जी, नर्सरी का काम आप पिछले कितने सालों से कर रहे हैं? 20 सालों से कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नर्सरी डालते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जरूरी है, पहले बात तो जो है खेत खाली हो पड़ा है, चार बार पांच बार उसको जुतवा लो। अच्छा, चार बार पांच बार जुताई होनी चाहिए, जिसमें दो बार गहरे हल से जुतवा लो। हाँ, फिर रोटावेटर से जुतवा लो। रोटावेटर चला करके मिट्टी को महीन कर लें। फिर उसके बाद पतली बाट डाल लो। अच्छा, पतली है, क्यारियाँ बना लीजिए। ठीक है, क्यारियाँ इतनी पतली क्यों रखते हैं आप? जो बीनने में आसानी है, पानी नहीं भरता है इसमें। अच्छा, तभी इसमें पतली डालना है। अच्छा, पतली नालियाँ बना लिए। फिर इसमें हम लोग जैसे बनाते हैं, ये ठोकते हैं, मिट्टी महीन करते हैं। अच्छा, ऐसे बराबर, मतलब कोई भी बड़ा ढेला नहीं होना चाहिए मिट्टी का। एकदम आपने खुरपे से लेकर के दिखाइएगा जैसे कितनी अच्छे से ये खेत को बना रखा है। फिर ये नाली आपने बना रखी है कि जब बरसात में ज्यादा पानी होगा, चूंकि आज हम लोग 18 अगस्त को हैं, तो जब ज्यादा पानी होगा बारिश में तो आप इसमें खोल देंगे और ये पूरा निकल जाएगा, पानी पूरा निकल जाएगा, है ना? पानी पूरा निकल जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमें ये बताइए कि घास, मिट्टी, कंकड़, ये बिनने के बाद इसको बहुत बारीक कर लेना है। हाँ। बारीक करके इस तरह आपने बना लिया, इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके पर पानी छिड़केंगे अब हम लोग। अच्छा, इसके बाद अब ये खेत रेडी है? हाँ, रेडी, तैयार है। अब इसमें आप बाल्टी से पानी लेंगे और हल्का हल्का इस पर छींटा डाल देंगे ताकि नमी बरकरार रहे। उसके बाद बीज बो देंगे हम लोग। अच्छा, उसके बाद बीज बोएंगे। बीज बोने के बाद क्या करेंगे? फिर इसको मिला देंगे। कैसे मिलाते हैं? खुरपी से भैया, खुरपी से मिला ही दिया। मिलाते हैं ऐसे करके, बीज छींटने के बाद ऐसे आप बारीक से मिलाते हैं, फिर ऐसे करके हल्के हाथों से इसको कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में फिर वो पूरा लगा हुआ है, फिर उसको ढकते हैं हम। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास पुआल हो या किसी तरह के फसलों का अवशेष हो, उससे हम ढक देंगे। ढकते क्यों है संतराम जी? जैसे अगर धूप तेज है जो सूख जाता है, फिर जमाव नहीं लेता है। अच्छा, ढकना इसलिए जरूरी होता है कि चूंकि कभी कभी धूप काफी तेज होता है तो नमी उड़ जाती है, तो जमने में दिक्कत होती है। और यदि आपने ढक दिया तो ढकने के कितने दिनों के बाद उसे हटाते हैं? तीसरे दिन उसको हटा देते हैं। शाम को हटाएंगे ना, इसका ध्यान रखिए, शाम को ही हटाना है। तो जब शाम को हटा देंगे उस समय तीसरे दिन तक ये जम जाता है। अच्छा, उधर जमा हुआ भी है, आपने किया भी है। ठीक है, तो तीसरे दिन तक रेडी हो जाता है। फिर उसके में क्या करते हैं? पानी हम लोग छिड़काव लगाते हैं। अच्छा, चौथे दिन में फिर पानी का एक हल्का छींटा मारते हैं। फिर वो सुबह सुबह डालना है। फिर उसको बोलते हैं छींटा मार के, फिर हम लोग पानी भरते हैं उसको। अच्छा, पानी देना है उसके एक दो दिन बाद? पांचवें दिन पानी देंगे, और वो भी हल्का पानी चाहिए ताकि डूबे ना, वो डूबना नहीं चाहिए ना। हाँ, फिर क्या क्या करते हैं? बस घास बिना, अगर घास में अगर जमी आई है तो घास उसको निकालना पड़ेगा। सड़ुआ लगे तो बाबा स्टीम चलाई जाती है। अच्छा, दवाई हम लोग स्प्रे करते हैं। हाँ, जो बीमारियां लगती है उसमें, अलग फंगस लग रहा है तो फंगीसाइड बढ़िया डाल लीजिए, कोई कीट लग गया तो उसकी डाल लें। तो ये आपकी जो बेड़ है, किस किस चीज की बेड़ डालते हैं आप? गोभी की है, बंद गोभी है, करम कल्ला है, नाट गोभी है, मिर्चा है, बैंगना है। अच्छा, इन सब की नर्सरी तैयार, इनको तैयार होने में कितना समय लगता है? डेढ़ महीना में तैयार हो जाती है। 40 से 45। 45 दिन के बाद आप वो निकाल करके प्लांट कर सकते हैं, आप बेचते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया रहा। आप पिछले 20 सालों से कर रहे हैं और किसान भाइयों देखिए एक बड़े स्केल पे इन्होंने नर्सरी का काम किया है। आगे भी गोभी वगैरह का है, और यहाँ थोड़ा सा यहाँ हम दिखाएंगे, पीछे देखिए इन्होंने ढक भी रखा है, इस तरह केले के पत्तों से बीज को ढक रखा है, और बहुत सारे गोभी के बीज इनके तैयार हैं। तो मित्रों, इस तरह से यदि आप अपने खेत में नर्सरी की तैयारी करते हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें। निश्चित तौर पे नर्सरी में एक और बात ध्यान रखें जो संतराम जी नहीं बता पाए,
कि जब भी आप नर्सरी बोएं, जैसे ये मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मल्टीपल फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, क्योंकि मल्टीपल फंगिसाइड का इस्तेमाल यदि मिट्टी में आप करेंगे तो प्लांट में फंगस काफ़ी कम आएगी। तो इस तरह आप अपने यहाँ नर्सरी की तैयारी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतराम जी, आपने।